समंदर में लहरों पर सवार होकर मस्ती करने का मन किसे नहीं होता। मुंबई के लोग अक्सर इस प्रकार की वाटर एडवेंचर करने के लिए गोवा या अलीबाग जाते हैं। वेस्टर्न मुंबई में अब तक इस प्रकार की कोई सुविधा नहीं थी, पर अब मुंबई के करीब विरार में राबोड़ी बीच पर ब्लू लाइफ एडवेंचर के माध्यम से अब एंजॉय कर सकते हैं। कुछ समय पहले बहुजन विकास आघाड़ी के स्थानिक विधायक क्षितिज ठाकुर द्वारा राबोड़ी बीच पर ब्लू लाइफ एडवेंचर का शुभारंभ हुआ। स्वच्छ और सुंदर राजोड़ी बीच पर वसईकर तथा बाहर के पर्यटक समुद्र में राइड्स, जेट स्की राइड्स, बनाना राइड्स, सोफा राइड्स व बम्पर राइड्स इत्यादि एंजॉय कर सकते हैं। ब्लू लाइफ एडवेंचर कंपनी स्थानिक लोगों ने स्थापित की है और उसके माध्यम से लोकल 20 से 25 युवकों को रोजगार प्राप्त होगा। ये जो कंपनी जो बनाई है ब्लू लाइफ एडवेंचर, ये पर्यटन के दृष्टिकोण से बनाई है कि यहाँ पे पर्यटन के लिए ज़्यादा चालना मिले वसई तालुका में और अच्छे से अच्छा स्थानिक लोगों को रोज़गार और स्थानिक जो लड़के हैं उनको यहाँ पे नौकरी जो भी है जॉब मिलना चाहिए। वो हिसाब से ये हमारे लोक नेता हितेंद्र जी ठाकुर इनके प्रेरणा से ये सब हम लोग ने यहाँ पे इवेंट बनाया है। महाराष्ट्र मैरिटाइम बोर्ड से टेंडर मिला हुआ है, वसई और ये अरनाला दोनों बीच के लिए मिला है। अभी फ़िलहाल हम लोगों ने आज अरनाला का चालू कर रहे, वसई का अगले महीने चालू कर रहे। इसमें जेट स्की राइड, सोफा राइड, बनाना राइड, पैरासेलिंग ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग धीरे धीरे चालू करने वाले, और हार्बर सेलिंग, सनसेट सेलिंग, वो भी इन्फ्लेटेबल बोट्स लाए हुए हैं, उससे हम लोग ये भी टूरिस्ट लोगों को इसका भी एडवांटेज मिलेगा। ये चालू रहेगा सनराइज़ टू सनसेट, इसका ये 9 महीने ही चलेंगे, 3 महीने बारिश के टाइम में बंद रहने वाला है। प्रथम सगळ्यांना ह्या नाताळच्या शुभेच्छा। हा येणारा नाताल आणि नववर्ष सर्वांना सुख समाधानाचं जावो हीच सदिच्छा। आणि ह्या नववर्षाच्या शुभ संध्याकाळी आपण जो पर्यटक हा विषय घेतलेला आहे की आपला हा जो समुद्र किनारा आहे त्यामुळं इथं पर्यटक वाढतील आणि लोकांना त्याच्या सुविधा घेता येतील आणि त्यामुळं आपल्या स्थानिक लोकांना अनेक व्यवसाय मिळेल आणि त्यामुळं ह्या उपक्रमाला माझ्या सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा। म्हणजे वसई विरार में ऐसा स्पोर्ट्स नहीं थे, वाटर स्पोर्ट्स, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। अभी कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, हम वसई में ही एंजॉय कर सकते हैं। तो ब्लू लाइफ एडवेंचर के वजह से हम लोग अभी ये वाटर स्पोर्ट वसई में ही एंजॉय कर सकते हैं। तो मैंने बहुत इंजॉय किया और अभी गोवा को जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इधर इधर ही इंजॉय करेंगे।